I was shocked and shattered by the answer. मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, सॉरी 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं, मैंने ये सवाल पूछा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत। और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट 44 लाख करोड़ का है तो ये 2.47 लाख करोड़, मतलब 5% कंट्रोल करते हैं। और सुनिए, मैं वहीं आ रहा हूं। मतलब ये जो है, आप ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते, ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते। आप ओबीसी के खिलाफ हैं, ओबीसी के बारे में नहीं सुनना चाहते, ओबीसी के प्रति न्याय नहीं चाहते, ओबीसी के प्रति न्याय नहीं होना चाहिए। ये जो है, हाँ, मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा, एक मिनट रुकिए। माननीय सदस्य से मैं आग्रह करूंगा, एक तो ये महिला आरक्षण बिल है और दूसरा सभी माननीय सदस्य समान है, डरो मतो ये शब्द इस पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए। सर, ये जो डिस्कशन है, सर स्पीकर सर प्लीज, दिस डिस्कशन इज अबाउट द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द पीपल ऑफ इंडिया, द वुमेन बीइंग वन ग्रुप ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड द ओबीसी कम्युनिटी बीइंग अनदर ग्रुप ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। And I am elaborating that the OBCs, who number a huge percentage, have 3% of the 90 secretaries of this country and control and define 5% of India's budget. This is an insult and a shame to the OBC community. Ye OBC community ka apman hai. To sawal uthta hai ki is desh mein कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सका है। तो मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए, और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है, 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। और दूसरी बात इसको आप बदलिए। कैमरा नहीं है, आपको दिखाएंगे सर, भाषण में आपको ही दिखाएंगे। ये आप बदलिए। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए।